हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरन। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सोनालिका हमारे पास में आया है DI-35। तो ये ट्रैक्टर आखिर हमारे पास में क्यों आया है, उसमें ऐसी क्या वजह है, उसके बारे में मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर आपके ट्रैक्टर में भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप इसको कैसे ठीक करोगे। वजह बिल्कुल छोटी है लेकिन हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान है। तो मैं आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि उसमें वजह क्या है और इसको मैं कैसे ठीक करता हूँ। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और हाँ दोस्तों, अगर आपने आपका चाहिए था आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल अब्दुल कुरट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि आपका चाहिए था आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल अब्दुल कुरट रोज़ाना ऐसे ही नए नए टॉपिक पे वीडियो लाता है और इंशाल्लाह आगे भी लाता रहेगा। तो प्लीज़ आप हमारे इस नए काम में हमारे साथी और सहभागी बने, और हो सके इतना हमारा वीडियो हमारे और किसान भाइयों में शेयर करें ताकि उनको भी ये पूरी जानकारी मिल पाए और ये फालतू लागत से बच सकते हैं। बहुत सी बार क्या होता है, वजह बिल्कुल छोटी होती है और हमारे किसान भाई को फालतू में लागत लग जाती है ना। तो मैं ये वीडियो में जो वजह है आज पूरा का पूरा दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि अगर आपके ट्रैक्टर में ये प्रॉब्लम आ जाता है तो आप इसको कैसे चेक करोगे, कैसे पता करोगे कि आखिर क्या वजह है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं ना कि अब्दुल भाई आप कैसे अंदाज़ा लगा लेते हो कि इसमें यही प्रॉब्लम है ना। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, शायद ही ये बातें आपको कोई और बताएगा या तो आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो मैं पहले ट्रैक्टर को स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें वजह क्या है। तो दोस्तों मैंने ये ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लिया है। ये ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक में प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम किस तरह से वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखना, इसका जो हाइड्रोलिक का पट्टी है, ये मैंने लीवर को उठाया, देख सकते हैं ये बिल्कुल धीरे 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 ऊपर आ रहा है ना, देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं इसको रेस करता हूँ, रेस किया वहां पे अटक गया, अब ये धीरे से झटके ले लेके आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। मैं रेस करता हूँ, ये अटक जाता है, उसके बाद झटका लेके ऊपर आता है, देख सकते हैं। अब मैंने इसका ये रेस कम किया, ये बिल्कुल धीरे धीरे झटके लेके इस तरह से, देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने इसको ये डाउन किया, अब मैं उस पर एक दो बंडे को खड़ा करता हूँ। अभी मैंने दो बंडों को केवल खड़ा किया है। अब मैंने ये लीवर दिया, अभी देख सकते हैं आइडल में झटके लेके उठता है, थोड़ा उठा फिर अटक गया, थोड़ा उठा फिर अटक गया। अब मैं इसको रेस दूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे रेस देता हूँ अटक जाता है, फिर हल्का सा झटका लेके उठता है, देख सकते हैं यहाँ पे। अभी ये अटक गया, अब ये झटका लिया, अब ये अटक गया फिर उठाया, ये अटक गया फिर उठाया, देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने इसका रेस छोड़ा, ये कटी हल्के, देख सकते हैं यहाँ पे झटके लेके उठता है ना। तो अगर आपके ट्रैक्टर में ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, उसका हाइड्रोलिक फिल्टर। ये झटके लेके धीरे धीरे जो उठ रहा है ना, उसका मतलब इसको ठीक से सेक्शन से जो ऑयल है वो ऑयल नहीं मिलता है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका ये जो सेक्शन फिल्टर है ये वाला, इसको हमें चेक करना है। उसके बाद एक यहाँ पे नीचे पे भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं थोड़ा कैमरा को नज़दीक ले लूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि इसमें वजह क्या है और ये कितनी छोटी वजह है जिसकी वजह से हमारे किसान भाई परेशान हो रहे हैं। तो मैं कैमरा को थोड़ा नज़दीक ले लूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका ये हाइड्रोलिक फिल्टर ये वाला। सबसे पहले हमें इसको खोल के चेक करना है, और ऐसे मैंने काफ़ी वीडियो डाले हैं स्वराज महिंद्रा के, इसका फिल्टर चौक है या नहीं, कैसे पता करते हैं, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। देखो जब हम इसको खोलेंगे ना तो ये ऐसे भी ख़राब हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल श्योर होना है कि क्या इसमें वाकई में दिक्कत है या नहीं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि जैसे ये ऑयल आएगा तो यहाँ से ही सप्लाई होगा। और एक फ़िल्टर यहाँ पर भी लगा है, देख सकते हैं ये वाला, ये भी हाइड्रोलिक फिल्टर है, सोनालिका में यहाँ पर होता है, बहुत से ट्रैक्टरों में अंडर भी होता है, काफ़ी जो पुराने ट्रैक्टर होते हैं सोनालिका या स्वराज, तो अंडर डिप्रेशन में भी होता है, और ये बाहर है देख सकते हैं। तो पहले हमें ये चेक करना है, उसके बाद हमें ये भी चेक करना है ना। तो सबसे पहले हमें इसको चेक करना है,
तो इसको हम खोल लेते हैं। तो इस तरह से नीचे एक बाल्टी रखना है ताकि ऑयल हमारा जाया ना हो, और ये फिल्टर कूलर इसकी सहायता से हम इस तरह से इसको यहाँ से खोल लेना है। और इसमें क्या करना है, हमें छेद करना है। एक स्क्रू ड्राइवर और हैमर ले लो जाओ। ओहो, ऑयल का कंडीशन भी देख सकते हैं दोस्तों, पूरी तरह से ख़राब है। ये इसका ऑयल भी हमें चेंज करना होगा, देख सकते हैं ऑयल का कंडीशन बहुत ही ख़राब है। और ये फिल्टर चौक ही चौक है। देख सकते हैं दोस्तों इसका ये ऑयल का कंडीशन, तो इसको भी मुझे चेंज करना होगा। मैं ओनर को बोलूँगा कि इसका ऑयल ठीक नहीं है, तो इसका भी हमें हाइड्रोलिक में भी थोड़ा काम है, पूरा लीकेजिंग वगैरह। और ये हाइड्रोलिक डाउन भी होता है, उसका भी काम करना है, तो वो खोल लेंगे। और उसके बाद इसको अंदर से अच्छे से सफाई करने के बाद हम इसमें नया ऑयल डालेंगे। लौटे कॉटन। तो इस तरह से दोस्तों हमें क्या करना है, आपको चेक करना है ना कि आपके फिल्टर में प्रॉब्लम है या नहीं। तो इस तरह से फिल्टर निकाल लेने के बाद, ये फिल्टर को हमने निकाल लिया है ना, फिर हम इसमें यहाँ पे ऐसे छेद कर देना है। मैंने आगे भी वीडियो डाले हैं, ऐसे भी ये फिल्टर तो ख़राब हो गया है, देख सकते हैं ये पूरा डब गया है ना। जब हम इसको खोलेंगे तो ये ऐसे भी ख़राब हो जाएगा, तो हमें श्योर होना है कि क्या वाकई में इसमें दिक्कत है या नहीं। तो हम इस तरह से यहाँ पे छेद कर देते हैं। और हाँ दोस्तों, ये केवल टेस्टिंग के लिए होता है, इसको ज़्यादा देर चलाना नहीं होता है। हाँ, बाई चांस अगर खेत में ये प्रॉब्लम आ जाता है तो आप इसको 2 घंटे 5 घंटे या 1 दिन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो क्या होगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा बिना फिल्टर के। जैसे हम इसमें छेद करेंगे तो फिर हो सकता है उसका हाइड्रोलिक का जो भी एमरी है ऑयल का, वो सीधे डिस्ट्रीब्यूटर में जा सकता है और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी ख़राब हो सकता है। तो ये केवल थोड़ी देर के लिए है ना। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि आप इस तरह से छेद करते हो तो क्या मतलब। अरे भाई, जब टेस्ट करना है हमें, ऐसे तो हम नया फिल्टर भी रखते हैं है ना, तो मैं सीधे नया डाल दूंगा, तो मेरे को तो पता है कि इसमें वजह क्या है। लेकिन केवल मैं ये किसान भाइयों को दिखाने के लिए कि अगर आपके ट्रैक्टर में ऐसा होता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो। तो इस तरह से हमें इसको क्या करना है, 2-3 छेद लगा लेना है ऐसे। अभी हमने इसमें डायरेक्ट छेद कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ऐसे सुराख कर देना है यहाँ पे इस तरह से। अब हम इसको लगा के देखेंगे। ठीक है, अभी हमने इसको टाइट कर लिया। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया, आपने पहले देखा होगा कि ये ट्रैक्टर का जो हाइड्रोलिक है वो काफ़ी रेस देने के बाद ऐसे हल्के हल्के झटका देके उठ रहा था ना, आपने आगे वीडियो में देखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने फिल्टर में छेद किया उसके बाद उसमें कितना फर्क आया। ये मैंने हाइड्रोलिक को उठाया, देख सकते हैं आप बिल्कुल इजीली, मैंने कोई रेस नहीं दिया है, देख सकते हैं इसका हाइड्रोलिक है ना। अब मैंने इसको डाउन किया, पहले मैंने केवल उस पर 2 बंडे लगाए थे, अब मैं उस पर 3 बंडे लगाऊंगा, आ जाओ। और ट्रैक्टर को बिना रेस किए देख सकते हैं, ट्रैक्टर अभी आइडल में है, मैंने इसको उठाया और ये आसानी बिल्कुल इजीली, कोई झटका कुछ भी नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल इजीली। देखा, ये बिल्कुल इजीली अब वर्क करने लगा है ना। और जैसे मैं इसको रेस दूंगा ये बिल्कुल तेजी के साथ, देख सकते हैं
पहले तो रेस्ट देने के बाद ही अटक रहा था ना, बिल्कुल भी लोड नहीं ले रहा था, लेकिन अब जैसे मैं इसको रेस्ट देके उठाऊंगा बिल्कुल तेजी के साथ उठेगा, देख सकते हैं इतनी तेजी के साथ, और बिना रेस्ट दिए ट्रैक्टर बिल्कुल आइडल पे अपनी चाल पे, फिर भी देख सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो देखा दोस्तों आपने कि इसमें वजह कितनी छोटी थी, और इतनी छोटी वजह के लिए हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि जो फिल्टर मैंने आपको दिखाया जिसमें मैंने छेद किए, केवल आपको दिखाने के लिए कि अगर आपके ट्रैक्टर में ये प्रॉब्लम आता है तो इस तरह से आप एक मरतबा तो चेक कर सकते हो, बस फिल्टर को चेंज कर दो आपका प्रॉब्लम सॉल्व है ना। कई बार क्या होता है बहुत बड़ी लागत 10,000, 15,000, 12,000, इसीलिए मैं खुल के ये वीडियो बनाता हूँ कि हमारा किसान का फालतू में खर्चा ना हो और वो कम से कम लागत में अपना ट्रैक्टर अपने हाथों से घर पे खुद ठीक कर ले। मेरी सोच ये है और हमेशा ये मेरी सोच रहेगी। तो अभी क्या करना है, इसका जो फिल्टर है वो नया डालूंगा, उसके बाद मुझे उसका हाइड्रोलिक का भी थोड़ा काम है। उसका हाइड्रोलिक क्या होता है, एक दो जगह से लीकेज है, उसके बाद उसका ये लीवर भी थोड़ा हार्ड है। उसके बाद क्या होता है, ट्रैक्टर को हम स्टार्ट करके बंद करते हैं ना, ये हाइड्रोलिक अपने आप डाउन होती है, उसका भी मेरे को जॉब करना है। तो ये पूरा खोलूंगा तो अंदर से अच्छे सफाई करने के बाद मैं इसका ऑयल नया डाल दूंगा, और दोनों फिल्टर नीचे वाला जो फिल्टर है इसको भी खोल के हम साफ करेंगे, जो पायदान के नीचे मैंने आपको दिखाया उसका भी हम सर्विस करेंगे और आगे वाला फिल्टर नया डाल देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया है, और हाँ दोस्तों पसंद आया तो इसको अभी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों में शेयर करें, उन तक ये वीडियो को भेजें, क्योंकि दोस्तों वो फालतू लागत से बच सकते हैं, ये छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी लागत से बच सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका हाइड्रोलिक वगैरह का काम करना है, वो भी मैं करता हूँ, अगर मेरे पास में टाइम रहा तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलो दोस्तों हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।